एक है ड्रग जिसने देखा जाए कि साढ़े पंजाबी दे नाम बर्बाद कर दिता। ये ड्रग एक ऐसी कलनी ड्रग है जिसने घर बर्बाद कर दिता, नौजवान पुत्रा खा गई है, एक घर ने घर अजाड़ गई है, दूजे पासे महिला ने महल बना गई है, असार गई है, एक पासे अजाड़ गई है, एक पासे महिला ने महल लोगों ने असार लिया, पर वो नींद उन्होंने गूढ़ी आँदी या नहीं आँदी यह तो उन्होंने फैमिली डॉक्टर से ही पूछा जा सकता है। जो कल जो खबर वख वख देखे जाए कि आईया ने और मेरे ख्याल कि पहला ऐसा एक मैं की कह ना की कह कि मिलियन ड्रग का पर्दाफाश किया साढ़े इतों की पुलिस वक् वक् अनफोर्समेंट ने उन्होंने असं सलाम करते हैं उन्होंने वास्ते तो एक दुखदाई खबर है जोड़े लोग इस की लपेट में आए हैं। असी इतने रेडियो से बैठ के उन्होंने चापलूसी नहीं करना है, ये शब्द मैं चोरी किए ने जी हाँ सतपाल जौल की कलम तो लिखे हुए कि असं चमचागिरी नहीं करते रेडियो से बैठ के, ना ही कर सकते ना ही सानू करनी चाहिए है, वह मीडिया नहीं है तो वह भी मीडिया नहीं है कि जिहड़ा किसी बिना किसी मदद तो किसी के उपर चिक्कड़ छिटते थोड़ी अपनी परसनल प्रॉब्लम है दसो के बाहर रखो। जौल साहब एक की हो रहा है दुनिया में और 61 मिलियन के आस पास ड्रग का जोड़ा ये खलारा पिया हो कहना चाहते हो? बस अब जिस तरह तुम दसिया ना भी नींद इन्हों के नहीं बट जिन्या क जानी अपने जीवन च मैं एग्जाम्पल देखिया भी अंत इन्हों का बुरा होया नींद ये भावें महलों के महल खड़े कर लैन लंबे काफले गड्डिया के कर लैन पर किते ना किते अंदर खाते धुड़कू रहिंदा जरूर है ते इन्हां दा अंत मैं माड़ा काफी हुंदा देखिया जी। सो भावें ये हुंदे ने जां हुंदियां ने पर नींद इन्हां नूं सौखी नहीं आउंदी ये गल जरूर एक फैक्ट है। दूसरे पासे ये है जी इस साल दे 6 महीनियां जी आपां देख चुके हां भी काफी लंबा समा यह सब कुछ पनपदा रहा इत्थे कनेडा की धरती से अमरीका की धरती से किते ना किते लोग जिहड़े उह काबू भी आउंदे रहे पर हुण पिछले 6-8 महीनों तो पुलिसां जिहड़ियां काफी एक्टिव आ इत्थे कनेडा भर दे विच भी यूएस दे विच भी काफी कोऑपरेट एक दूसरे नाल कीता जा रहा ते 50 दे करीब जिहड़ियां जी भी अरेस्ट इस साल दे विच इह कर चुके ने ते टना दे टन जिहड़े आ जी भी इह ड्रग्स जिहड़ियां जी भी इह ट्रेडिशनल ड्रग्स दे नाल नाल जिहड़ियां इह एक तरीके दे नाल कैमिकल ड्रग्स भी इहदे विच हुण इनवॉल्व हो गईआं जिहड़ियां कि आपां कदी नाम नहीं सी सुणे। सो उस लिहाज नाल इह आ जी भी इह जिहड़े थोड़े समें दे विच अमीर होण दे चक्करां दे विच कम्युनिटी के जहर वंडिया जा रहा उस कड़ी के जिस तरह तुम दसिया 61 मिलियन डालर के मुल के कलो कि एक टन से कोकीन से भंग वगैरह ही है बाकी होर तरह तरह के वो नशे ने 1 मिलियन डालर के करीब जोड़ा कैश है 21 वक् वक् ट्रक से होर गड्डिया ने तो इस फिर हथियार से बाकी सब कुछ भी जी। सो उस लिहाज न यह है जी भी ये जे हम अरैसट किए गए हैं 20 लोग जिथे एक तो समझा जा रहा कि उन्होंने कोई छोटी उम्र का ही है लेकिन के बाकी के जोड़े 19 ने उन्होंने लड़कियां औरतं भी शामिल दसिया जा रही हैं। सो कुल मिला के यह है जी भी अद्धी दर्जन तो ज्यादा इन ना जोड़े आ जी वह पंजाबियों के शामिल है पंजाबों के शामिल ने। सो जिद के मुख तौर पर जाने कि यह कैनेडन तो ब्रैम्पटन तो किचनर तो GTA के वासी जोड़े प्रमुख तौर पर इस धंधे के शामिल से जेडे कि मैक्सीको तो कैलीफोर्निया के रस्ते कनेडा के जहर कहे कि जोड़ा लिया के ये समाज के वंडन का काम किया जा रहा है। बाकी इस मुकदमे के दो अजे जोड़े शक्की वह फरार है होर गिरफ्तारियां पुलिस ने कहा भी हो सकदियां ने क्योंकि इनवैसटीगेशन है जी ऑनगोइंग है जी। जोर साहब पंजाबी की एड्डी वड्डी गिनती होना साढ़े वास्ते एक खामोशी वाली गल है तो साढ़े वास्ते सारे लिए शर्म वाली भी गल है और साडा समाज किड्डी वड्डी गिनती में लोग सवेर 4 बजे उठ के कोई 5 बजे उठ के 2 बजे उठ के काम पर जाता है ट्रक चला है 12-13 घंटे मुड़ के फिर आता दूजे दिन फिर जाता है तो ये लोग बड़ी बड़ी गड्डिया लेके घूमते हैं टाइया लाते हैं हाँ जी भैन जी भाजी करते हैं नट्ठे भजे फिरते हैं बड़े बड़े कलाकार फोटो खिचाते हैं फिर फेसबुक से पाते हैं इन्हों शर्म नहीं आती जो जेल जाते हैं। मैं हैरान है इन्होंने लोगों तो यह ऐसे बेशर्म लोग ने जिन्होंने साडे समाज का सत्यानाश कर दिता। बस अब इन्हें काफी ढीठताई की हद तक कई बार तबीत जड़िया बिगड़िया होंदिया एकदम फिर गलत बेल से आके कई बार मुखौल किए जाते हैं कि ना भावे साडा छप गया अभी बाहर बैठे हैं नींद की तुम गल करते ना नींद उन्होंने भैन भरावान नहीं आती है जेडे के हक हलाल की साडे ये ट्रकर भरा देखो भी किस तरह 24 घंटे बेचारे चली जा रहे हैं 24 सारा सारा हफ्ता सारा सारा महीना नींद इन्ह भैन भरावान भी तो इन्हों के परिवारों भी अच्छी आती है जेडे कि अपनी सख्त मेहनत के नाल थोड़े दे उसनों वध जाण के जिहड़ा जी भी गुजारा करन दा सबर उन्होंने अपनी तबीयत दे विच टिकाया हुंदा है पर ये लोग जिहड़े जी ते थोड़े समय के राजा जां थोड़े समय की राणी जां प्रिंसैस जां वटएवर ये बने हुंदे ने जां बणियां हुंदियां ने पर जदों इस तरह का समा फिर बनता जी ते अड्डियां उत्थे रगड़दियां
अक्सर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡ ਅਫੈਂਡਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੀਮ ਲੀਲਾ ਸਿਗਾ ਯੂਸਫ ਲੀਲਾ ਸਿਗਾ लीला करके तो कोई एक टब्बर दे जाने के लगते हैं भी एक कुनबे के ये लोग ये शामिल हनीफ जमाल भी सगा हाँ जी गुरमनप्रीत भी सगा सुखवंत बराड़ भी सगा ये शामिल इदा ही हरविंदर भुल्लर सगा सरजंट धालीवाल सगा हरबलजीत सिंह तूर सगा गुरबख्श सिंह गरेवाल सगा अमरजीत सिंह सरकारिया सगा सो पुलिस ने इस तरह के जेडे नाम रिलीज किए आ ये मतलब पहला किसी इस तरह के ऑफेंस के सुने से नहीं गए पर प्रोपर जो क्रिमिनल रैकर्ड की स्क्रिप्ट अपने को है नहीं जी जर साहब सो ये हुण पुलिस ने मतलब मैनू कई बार हादसा मैंने कई बार कि पुलिस जी हाले कोर्ट चो पुलिस स्टेशन वापस आते हैं अपनी फाइलों लैके इतू पहला बहर आ जाते हैं क्योंकि इतने कानून बड़े सॉफ्ट ने मतलब ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ कई बार होंगे भी कोई एड्डी वड्डी गल नहीं है जी इस तरीके नाल असीं थोड़ा बहुत अपराध कर भी लिया तो जे दो चार महीने छे महीने अंदर कट आए तो बाकी की लाइफ जी ठीक ठाक है पर इन्हों नहीं पता भी जो कुछ भी फिर इन्हों की पोजैशन के हों कई बार इन्हों के टब्बर की पोजैशन के भी हों भी वह भी ना ही अटैच होकर जब्त हो जाता सो जिन्ना कि इन्होंने इस तरीके जड़िया कमाइया कोई होंगे एक अद्धा केस पैण से जाने कि वही हद तक वो सब कुछ रुड़ जाता उस तरीके पर यह है जी भी बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो भी यह जरा बेल सिस्टम है ना साडे मुल्क दे विच जरूर यह रिव्यू करन दी लोड़ है ताकि जिहड़े भी एटलीस्ट रिपीट ऑफेंडर है ओह ढीठ होकर जाने के समाज नूं मशकरियां ना करदे फिरन।